नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप छत्तीसगढ़ सीएमओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के या पीएससी के, बैंकिंग, रेलवे या सीजी व्यापम से संबंधित या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार 2005 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के रूप में लेकर आए हुए हैं। इतना जानकारी तो प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे वो स्कूली छात्र हो या कॉलेज का छात्र हो या पटवारी का एग्जाम दे रहे हो या चपरासी का एग्जाम दे रहे हो या कोई ऑफिसर बनना चाहते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम चर्चा करते हैं, सीधे प्रश्न पर आते हैं और आज देखेंगे कि आज के पिटारा में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि आज के वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिलने वाली है। साथियों, ये हमारी प्रयास है कि आप एक बेहतर स्थिति में पहुँचें और आप अपने सपनों को पूरा करें। इसलिए हम जो है आपके लिए प्रतिदिन एक जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, सूचना का अधिकार भारत में कब प्रवृत्त हुआ। सूचना का अधिकार ये 2005 में बना था, लागू हुआ था, तो भारत में कब प्रवृत्त हुआ यानी कि इन्फोर्स हुआ यानी कि लागू हुआ। ऑप्शन हम दे रहे हैं 11 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, 13 अक्टूबर 2005 या डी 11 अक्टूबर 2005। क्या है इसका सही आंसर? शायद आपको पता होगा इसका सही आंसर बी है, 12 अक्टूबर 2005 को भारत में, पूरे भारत में ये प्रवृत्त हुआ, लागू हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रारंभ में राइट टू इन्फॉर्मेशन को लागू करने में कितना समय दिया गया था, कितना समय दिया गया था 12 अक्टूबर 2005 के बाद जो समय दिया गया था प्रशासन को, वो कितना समय अवधि था? तो आपको बताना है ए 130 डेज, बी 2 माह, सी 120 डेज या डी 4 महीना। क्या उल्लेख था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो पीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा, हम आपको बता रहे हैं 120 दिन का समय दिया गया था। इसका सही ऑप्शन सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सूचना में क्या सम्मिलित है। लॉग पुस्तिका, नमूने, उदाहरण या उपरोक्त सभी। लॉग पुस्तिका आप जानते होंगे, ड्राइवर के पास में होता है लॉग पुस्तिका, जहाँ जहाँ से वो जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ ख़त्म किया, उसको लॉग बुक बोलते हैं। ठीक है, नमूने जो होता है, नमूना जो होता है, कहीं से भी जो नमूना लेते हैं, चाहे ब्लड सैंपलिंग हो, यूरिन सैंपलिंग हो, या वैज्ञानिक जहाँ से डाटा ले रहा है, तो वो, या सी उदाहरण, या डी उपरोक्त सभी। आपको सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं डी सही है, उपरोक्त सभी। लॉग पुस्तिका भी, नमूने भी, उदाहरण भी, ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना में क्या सम्मिलित नहीं है, आपको बताना क्या सम्मिलित नहीं है। फाइल नोटिंग, सलाह, या प्रेस विज्ञप्तियां, या डी ईमेल, प्रेस विज्ञप्तियां, सलाह या फाइल नोटिंग, कौन सा सम्मिलित नहीं है सूचना, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। फाइल नोटिंग से तात्पर्य यहां पर नोटशीट से है,
जो ऑफिस में नोटशीट चलाते हैं उससे संबंधित है। तो आपको सही आंसर देना है, हम आपको बता रहे हैं सही आंसर ए फाइल नोटिंग है। सलाह प्राप्त किया जा सकता है, प्रेस विज्ञप्तियां प्राप्त किया जा सकता है, ईमेल प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन फाइल नोटिंग प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, ई रिकॉर्ड कितने समय तक की सूचनाएं प्राप्त किए जा सकते हैं? ई रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितने समय तक की सूचनाएं प्राप्त किए जा सकते हैं? 1 वर्ष की, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की या 4 वर्ष की? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, सही आंसर दीजिएगा, जल्दी से दीजिए सही आंसर। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं 5 वर्ष तक की रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। यानी कि जो हमारे जो शासन प्रशासन है, जो भी ई रिकॉर्ड है, चाहे उसमें वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, ईमेल हो, वेबसाइट हो, आपको कम से कम जो है 5 वर्ष सुरक्षित रखना पड़ेगा। और 5 वर्ष के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है कोई भी सूचना का अधिकार तंत्र मांग सकता है। ये थी 5 क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंट दस्तावेज कितने समय तक की सूचनाएं प्राप्त किए जा सकते हैं? जैसे मैंने ई रिकॉर्ड कहा, तो वैसे प्रिंट रिकॉर्ड जो इंटरनेट जो आपके प्रिंट से निकलता है, ठीक है, यानी कि हम उसको दस्तावेज कह सकते हैं। दस्तावेज कितने साल के दस्तावेज को प्राप्त किया जा सकता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष? याद रखिएगा इसको, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सरकार को इतने साल तक रखना ही पड़ेगा दस्तावेज को, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, विनष्ट नहीं कर सकते। इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा, तो हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर डी, 30 वर्ष तक दस्तावेज का रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। उसके बाद वाला रिकॉर्ड देने के लिए बात नहीं है, होगा तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तो आपको जो है एक बात ध्यान रखना है, 30 वर्ष के रिकॉर्ड जो है, प्रिंट दस्तावेज जो है प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्राधिकारी में क्या सम्मिलित नहीं है? लोक प्राधिकारी किसको नहीं बोलते हैं? सरकारी बैंक नहीं आता है, स्थापित या गठित या निकाय या स्वशासी, ध्यान रखिएगा नहीं है पूछ रहा है। और इसमें से क्या है तो आपको मिल जाएगा, एक को हटा देंगे तो 3 चीजें आपको मिल जाएगा। लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी, जिससे हम सूचना का अधिकार लगाएंगे, वो संस्था जहां पर सूचना का अधिकार लगाया जाता है उसी को कह रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी। यानी कि ये सहकारी बैंक नहीं आता है, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, वहां से आप आरटीआई नहीं मांग सकते। और किससे मांग सकते हैं? कोई भी स्थापित, कहाँ का स्थापित? संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा या किसी आदेश के द्वारा जो भी स्थापित किया है वो, या जो गठित समिति होती है, निगम होती है, निगम को गठित करते हैं, समिति को गठित करते हैं, वो भी निकाय, यानी कि गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है अलग अलग, उद्योग निकाय, ये सब निकाय, और स्वशासी ऑटोनोमस बॉडी से भी मांगा जा सकता है। ये तीनों तो है, लेकिन सहकारी बैंक लोक प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, कितने दिनों में सूचना देना बाध्य है? जब आप राइट टू इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आरटीआई लगाएंगे, तो कितने दिन में वो सरकारी ऑफिस जहां लगाए हैं वो देने के लिए बाध्य है? ध्यान रखिएगा यहां पर ऑप्शन दिए हैं 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 1 माह, कौन सा सही है, कौन सा सही है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं 30 दिनों में, 30 दिन बाध्य किया गया है, 30 दिन में हर हालत में देना पड़ेगा, नहीं तो वो अपील में, फर्स्ट अपील में जाएंगी या फिर सेकेंड अपील में जाएंगी, जुर्माना हो सकता है 25,000 का। यदि आप लापरवाही बरते हैं, जानबूझकर लापरवाही बरते हैं, तो 25,000 का जुर्माना हो सकता है। और जो जुर्माना राशि है कार्यालय का नहीं देना पड़ता, खुद के जेब का देना पड़ता है कि गलती आपकी है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9, सूचना प्राप्त करने के लिए किसको आवेदन करना होता है? किसको आवेदन करेंगे आप? सहायक लोक सूचना अधिकारी, या बी लोक सूचना अधिकारी, या सी प्रभारी अधिकारी, या फिर नियोक्ता, डी नियोक्ता, किसको आप करेंगे आवेदन, किसको किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जल्दी से दे दीजिए, ए है, बी है, सी है या डी है? हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर बी है, लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है आवेदन। जब भी प्रति लिखे लोक सूचना अधिकारी और उस विभाग का नाम लिख दें,
एड्रेस लिख दें, विषय लिखें आरटीआई के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। सादर निवेदन है कि निम्नांकित जानकारी मुझे नियमानुसार प्रदान करने का कष्ट करें। तो ये आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ सूचना कितने दिनों में दिया जाना है। व्यक्ति से जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है, उसकी जीवन और मौत उसमें शामिल है, तो ऐसी सूचनाएं कितने दिनों में दिया जाना जरूरी है? 24 घंटे में, 30 घंटे में, 48 घंटे में या 36 घंटे में, कौन सा सही है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसी सूचनाएं विभाग को जहां आप लगाएंगे वो 48 घंटे में देना पड़ेगा, 48 घंटे में देना है, 48 घंटे में देगा। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि प्रश्न संख्या 11, सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं दिया जा सकता, क्या नहीं दिया जा सकता? भारत की स्वतंत्रता और अखंडता से जुड़ा हुआ जानकारी, भारत की स्वतंत्रता और अखंडता से जुड़ा हुआ जानकारी, या भी राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जानकारी, या बौद्धिक संपदा, या बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या डी उपरोक्त सभी। यह है थोड़ा सा कठिन, लेकिन क्या बौद्धिक संपदा है, राज्य की सुरक्षा है, या भारत की स्वतंत्रता या अखंडता है? इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का अधिकार में किसे बाहर रखा गया है, यानी कि यहां से आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, क्या सुरक्षा एजेंसी से, या नारकोटिक जो विभाग है उससे, या विशेष सेवा ब्यूरो से, या फिर उपरोक्त सभी? बहुत सरल प्रश्न है, जो पढ़ा होगा, जो पढ़ता है उसके लिए बहुत ही सरल है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ये डी उपरोक्त सभी है, डी उपरोक्त सभी है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सूचना का अधिकार कैसे लगाया जाता है, मतलब किस माध्यम से लगाया जाता है, ये इसका प्रश्न है, इसका उद्देश्य प्रश्न का। स्वयं उपस्थित होकर लगाते हैं, या डाक द्वारा भेज देंगे, या ईमेल भी कर सकते हैं, किस माध्यम से करेंगी, या उपरोक्त सभी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है, ईमेल द्वारा, डाक द्वारा, स्वयं के द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है डी उपरोक्त सभी, डी उपरोक्त सभी है। खुद स्वयं जा सकते हैं, डाक द्वारा भेज सकते हैं, मेल के द्वारा भेज सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं, आप जिस स्वरूप में आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, उन तक पहुंचने से मतलब है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14, सूचना का अधिकार के लिए फीस कितना देना होता है, सूचना का अधिकार के लिए फीस कितना देना होता है? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, कितना फीस देंगे? आटे जब लगाएंगे तो आपको जो है कितना रुपया देना पड़ेगा, उतने रुपये का या तो स्टाम्प खरीद लीजिए, स्टाम्प खरीद लीजिए, या फिर और कुछ खरीद लीजिए। नीचे वाला क्वेश्चन है, हमने आपको क्लू भी दे दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन को हमने क्लू दिया हुआ है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर ए 10 रुपये देना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूचना का अधिकार के लिए फीस किस रूप में जमा करना होता है, स्टाम्प शुल्क के रूप में, नगद रूप में, डीडी, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, स्टाम्प शुल्क, या नगद, या डीडी, या उपरोक्त सभी, किस माध्यम से देते हैं, फीस कैसे देंगी? ये जो 10 रुपया आप देंगे कैसे देंगे, स्टाम्प शुल्क के माध्यम से? स्टाम्प खरीद दीजिए 10 रुपया, उसमें लिख दीजिए, या उसको पीछे में लगा दीजिए और दे दीजिए, ये फीस है, सरकार को फीस जानी चाहिए। तो आपको सही आंसर इसको बता रहे हैं डी है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, मांगी गई सूचना के लिए क्या जरूरी नहीं है, मांगी गई जानकारी के लिए क्या देना जरूरी नहीं है, क्या कारण बताना, सूचना क्यों मांगा जा रहा है उसका कारण बताना, या नाम पता बताना, या फोटोग्राफ देना चिपकाना, या उपरोक्त सभी, क्या नहीं देना पड़ेगा आपको, कोई जरूरत नहीं है कि यह चीज देने की? तो हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं डी है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना का अधिकार में द्वितीय अपील कहां की जाती है, सेकेंड अपील कहां की जाती है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उसी विभाग में, या उच्च न्यायालय में, या राज्य सरकार को, किसको दिया जाता है द्वितीय अपील, सेकेंड अपील? शायद आपको पता होगा इसका सेकेंड अपील की जाती है कहां पर, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के यहां, और भारत सरकार के मामले में
केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, राज्य में, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त में द्वितीय अपील होता है, वो अपेक्स है, अपेक्स कोर्ट है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अभी वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त छत्तीसगढ़, एके सिंह, मोहन राव पवार, एम के राउत या अशोक कुमार अग्रवाल? इसका सही आंसर आपको देना है, इसका सही आंसर हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या है? सी एम के राउत साहब हैं। और जो हमने तीन नाम लिखा हुआ है, एके सिंह, मोहन राव पवार या अशोक कुमार अग्रवाल, ये मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है बल्कि सूचना आयुक्त हैं, केवल मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त एम के राव साहब। एक होता है, यहां पर तीन जो है सदस्य जो है सूचना आयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एके विजयवर्गीय साहब, बी सर्जियस मिंज या सी अनिल जोशी या डी एस के तिवारी? कौन थे प्रथम प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त? ये थे ए के विजयवर्गीय साहब। ए आंसर सही है। और सर्जियस मीन सेकेंड टर्म में बना, अभी थर्ड टर्म में आपका बना हुआ है एम के राव साहब। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम प्रथम है लिखा गया थे, प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वाजाहत हबीबुल्ला या पी एन तिवारी, सी है सुधीर भार्गव या डी है राधा कृष्णन माथुर? कौन थे? वाजाहत हबीबुल्ला, ए एन तिवारी या सी सुधीर भार्गव या डी राधा कृष्णन? कौन थे प्रथम? तो हम आपको बता रहे हैं, वाजाहत हबीबुल्ला पहला मुख्य सूचना आयुक्त थे भारत भारत के। और याद रखिएगा, उसके बाद ए एन तिवारी साहब बने, फिर उसके बाद में राधा कृष्णन माथुर, जो अभी वर्तमान में सुधीर भार्गव भार्गव हैं, और उसके पहले सुधीर भार्गव के पहले राधा कृष्णन माथुर जी थे। आपको दोनों चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा साथियों। तो यहां पर आपको जो है 20 क्वेश्चन हो गया, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मामले में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चयन समिति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या डी मुख्यमंत्री की सलाह में राज्यपाल? कौन करता है? शायद आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर डी दे रहे हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर है चयन समिति, और चयन समिति में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। सॉरी, विधानसभा का अध्यक्ष का नाम नहीं है, एक मंत्री होता है, एक मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और एक मंत्री, ठीक है, ये तीनों मिलकर जो है ये चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है? कितने साल तक रह सकता है वो? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 5 वर्ष का कार्यकाल है या फिर 65 वर्ष की उम्र तक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपको बताना है, इसका सही आंसर सी है, सी है दोनों, या तो वो 5 वर्ष चलेगा या फिर 65 वर्ष। यहां पर क्वेश्चन नंबर 23, मुख्य सूचना आयुक्त कितने बार नियुक्त हो सकते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त राज्य में या केंद्र में कितने बार नियुक्त हो सकते हैं? एक बार, दो बार, कई बार या इनमें से कोई नहीं? इडली तो बकवास है, ऑप्शन देने के लिए रखा गया है, लेकिन ए बी सी में से बताइए। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही बार बन सकता है, केवल एक ही बार, दोबारा रिपीटेशन नहीं हो सकता। यहां पर 24 नंबर क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त को किसके समान वेतन भत्ता दिया जाता है? मुख्य सूचना आयुक्त को किसके समान वेतन भत्ता दिया जाता है? उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त या फिर प्रमुख सचिव के बराबर? इसका सही आंसर दीजिएगा, जल्दी से दीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। ए है, बी है, सी है या डी है? आप वहां पर लिखिए 24A, 24B, 24C, ऐसे लिखते हैं आप। तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री
यहां पर सॉरी, मुख्य सूचना आयुक्त को कौन शपथ दिलाता है? मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, राज्यपाल या मुख्य सचिव? कौन शपथ दिलाता है तो आपको बताना है, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल या मुख्य सचिव? कौन कौन दायित्व को निभाएगा शपथ का? तो इसका सही आंसर है सी, राज्यपाल। राज्यपाल दिलाता है। दोस्तों ये थी हमारी 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आपको ठीक लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में या किसी सोशल मीडिया में, या फिर आप अपने दोस्तों को भी कहिए कि 10 बजे रोज़ आए हमारे साथ जनरल स्टडी की तैयारी करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।